Good morning, students. So in our last class, we started with chapter 11, that is perimeter and area. हमने perimeter of square and rectangle समझा था, and based on that we solved some sums. अब हम second exercise की तरफ proceed करेंगे, and we'll be learning some new things. पहले हम exercise sum solve करने से पहले we'll be going through some key points. Let's understand. कि एरिया ऑफ फ्यू मोर प्लेन फिगर्स. अभी तक हमने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का समझा था. फ्यू मोर प्लेन फिगर्स मतलब अगेन दीज आर टू डायमेंशनल फिगर्स. ओके, कौन से फिगर्स की हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, जो हम पहले भी कर चुके हैं, इज ऑल्सो लाइक अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. जो जब मैं यहाँ से मेजर करूँगी या यहाँ से मेजर करूँगी या यहाँ से मेजर, कहीं से भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करती हूँ, तो इट कम्स द सेम. तो दीज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं एंड एक दूसरे से पैरेलल है. कभी मीट नहीं करती हैं, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर. अब हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पढ़ा है. रेक्टेंगल इज अगेन अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होती है. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले एक डायगनल ड्रॉ करते हैं. डायगनल क्या होता है? जो इसके ऑपोजिट्स ऑपोजिट वर्टाइसिस जो होते हैं उसको ज्वाइन कर देता है एंड कट्स दी रेक्टेंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स. अगर टू इक्वल पार्ट्स करते हैं तो इनका एरिया भी सेम रहता है. तो अब हमें पता है कि एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर इसको दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है मतलब ये दोनों का एरिया विल बी इक्वल, जो कि हाफ ऑफ द होल रेक्टेंगल होगा. कैसे? दिस हाफ प्लस दिस हाफ का एरिया मेक्स द होल रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल हियर इज हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल. सिमिलरली जब हम स्क्वेयर की बात करते हैं, स्क्वेयर के जब हम डायगनल्स बनाते हैं तो दो ऐसे डायगनल्स बनते हैं, डिवाइड्स इट इंटू फोर इक्वल ट्राइंगल्स. अब फोर इक्वल ट्राइंगल्स में अगर किया है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय फोर. एरिया ऑफ द स्क्वेयर विल बी डिवाइडेड बाय फोर एंड हमें एक ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा. एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? अगेन फॉर्मूला वी नो, साइड स्क्वायर. नाउ वी कम टू पैरेललोग्राम. जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ये जो मैंने निशान बनाया है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर. नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के फॉर्मूला होता है बेस इंटू द हाइट. हाइट इज वॉट जहां पे एक वर्टाइस से 90 डिग्री के एंगल पे एक परपेंडिकुलर स्ट्रेच हो रहा है. परपेंडिकुलर को दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, यूज टू रिप्रेजेंट अ परपेंडिकुलर. सो बेस विल बी दिस एंड हाइट, जो बेस के कोरिस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड होगा और हाइट होगा. Now we'll solve the questions and using the diagrams and figures you will be able to understand this in a better way. Now triangles as a part of a parallelogram. When we cut a parallelogram along its diagonals, हमने ये parallelogram को two equal parts में ये diagonal से जो कि opposite vertices को join करता है cut कर दिया है. हमें दो congruent triangles मिलते हैं जो कि जिनका area equal होता है. Therefore एक each triangle का area will be half into area of the parallelogram, क्योंकि ये आधा है पूरे parallelogram का. So that is the area of each triangle, that is half into area of parallelogram is base into height, so distance. Now let's begin with the first question of the exercise. You will be able to apply the formulas jo abhi humne dekhe into the questions required. Now
सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम्स दिए हैं, उसका बेस दिया है, हाइट दिए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन, फिगर ए, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इज द हाइट, बेस इज 7 सेंटीमीटर. एरिया होता है बेस इंटू हाइट. 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर गिव्स अस 28. 7 4 28, 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन सेज बेस है 5 सेंटीमीटर का, हाइट है 3 सेंटीमीटर की, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर. एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 5 3 15, 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. जब हम 25 × 35 करते हैं, द आंसर कम्स एज 875. अब डेसिमल के बाद दो नंबर्स है, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो दो नंबर्स के बाद हम डेसिमल लगाएंगे एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर, विच इज गिवन ओवर हियर. 5 सेंटीमीटर इज द बेस, और जहां से परपेंडिकुलर जाता है, जहां 90 डिग्री का एंगल जो लाइन से फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द हाइट. ओके, नाउ एरिया विल बी 4.8 सेंटीमीटर. नाउ 48 × 5 कम्स एज 240. एक के बाद डेसिमल लगाना है तो यहां पे डेसिमल, सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो डजंट हैव इट्स वैल्यू. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बेस यहां पे गिवन है 2 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन 4.4 सेंटीमीटर. बेस इज 2 सेंटीमीटर, हाइट इज 4.4 सेंटीमीटर. 44 × 2, 4.4, that is 88. और डेसिमल एक के बाद लगाना है. सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट, हमने पहले भी पढ़ा है. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने पैरेललोग्राम के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही वील बी सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. हमने पढ़ा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, यहाँ पे बेस गिवन है. हाइट कब होता है? जब एक एंगल ऑफ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. आप हर में देखोगे, जहां 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, वहीं से हम हाइट ऑफ द ट्राइंगल मेजर कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, बेस इज 4 सेंटीमीटर, हाइट जो फॉर्म कर रहा है 3 सेंटीमीटर. अब एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ वी कैन कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स. 1, 2, 2 जा 4. 2 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे गिवन है हाइट इज 3.2 सेंटीमीटर, बेस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 5 × 3.2. ये एक इवन नंबर है बट विद अ डेसिमल. हम सेम तरीके से करेंगे, ओनली वी लेट द डेसिमल रिमेन. 2 × 1 = 2.6. नाउ 16 × 5 जब हम करते हैं, इट इज 80, एंड डेसिमल इधर आ जाएगा. एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे बताया है कि द बेस इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, एरिया विल बी हाफ इंटू 3 इंटू 4, और ये कैंसिल हो जाता है अगेन 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बेस इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ये नहीं देखेंगे, हमें वही देखना है जहां पे एंगल ऑफ 90 डिग्री इज फॉर्म्ड. सो द हाइट इज 2 सेंटीमीटर, एरिया विल बी हाफ इंटू 3 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, एरिया कम्स एज 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर. क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि हमें मिसिंग वैल्यूज बतानी है. अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, डीसी ऐसी एक टेबल आपके बुक में गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, कहीं बेस गिवन है, कहीं हाइट गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग. जहां हाइट गिवन है वहां बेस फाइंड आउट करना है, जहां बेस गिवन है वहां हाइट फाइंड आउट करनी है. सो वी आर नॉट ड्रॉइंग द होल टेबल इन आर नोटबुक्स, हम कुछ ऐसे लिखेंगे इसको. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. अब हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन में एरिया हमेशा गिवन है, बेस और हाइट मिसिंग है. सो व्हाट विल वी डू, हम बेस और हाइट दोनों का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे व्हेन द एरिया इज गिवन और द हाइट इज गिवन. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बेस नहीं है लेकिन हाइट है और एरिया है, तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया दिस मल्टीप्लीकेशन कम्स ऑन द अदर साइड एंड यहां वो डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली जब हमारे पास एरिया गिवन है और बेस गिवन है, हाइट नहीं है, लेट द हाइट रिमेन हियर, बेस विल कम हियर एज अ डिनोमिनेटर, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ये फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया फॉर बेस एंड हाइट. नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द 4 क्वेश्चंस गिवन. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज बेस गिवन है, एरिया गिवन है, बेस गिवन है, एरिया गिवन है, हाइट नहीं है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. तो हाइट का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है, क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय बेस. एरिया इज 246 डिवाइडेड बाय 20. नाउ वी कैन इजीली डू आवर कैलकुलेशंस. जैसे हम कॉमन फैक्टर्स रिमूव करते हैं, सो 2 1 2 and 0 1 2 2 2 4 and 2 3 6. नाउ यहां पे जब डिनोमिनेटर में 0 है तो हम इजीली डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 0 है तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा. हाइट है, सेंटीमीटर इज द यूनिट वी आर फॉलोइंग, तो 12.3 सेंटीमीटर इज द हाइट. सिमिलरली यहाँ हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द बेस. हमारा बेस का फॉर्मूला हमने यहाँ निकाला था, एरिया अपॉन हाइट. एरिया इज 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4. नाउ वी विल सिंपली कैलकुलेट बाय रिमूविंग द कॉमन फैक्टर्स. तो इवन नंबर्स है, दोनों 2 से होंगे, 2 4 8 2 2 4, 2 4 2 4 8, यहाँ पे 2 3 6, कैरी 1. अगेन दीज आर इवन नंबर्स, 2 2 4 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, कैरी 1 and 8. नाउ लेट्स सी, दिस इज एन ऑड नंबर, वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 3. नाउ 8 + 2 = 10, + 2 = 12, which is divisible by 3, and this is also divisible by 3. Further dividing it by 3, 3 7s are 21, 3 4s are 12, and 1 a is 0, and 3 6s are 18. Agar isko hum 7 se divide karte hain, 7 5s are 35, बट यहां पे क्या है, 40 है.
तो वी कैरी 5, 56 इट बिकम्स, तो 7 8 सा 56, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द बेस दैट वी वर फाइंडिंग. यूनिट वी आर फॉलोइंग इज सेंटीमीटर. क्वेश्चन हमें जैसे हमने पैरेललोग्राम के लिए किया वैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल्स. इन योर बुक देर इज अ टेबल विच इज गिवन जहाँ पे कहीं हाइट मिसिंग है, कहीं बेस मिसिंग है, एरिया है. तो हम क्या करेंगे, हम हाइट एंड बेस का फॉर्मूला जैसे हमने पहले किया था वी विल फाइंड आउट. दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब अगर हमारे को बेस यही रखना है तो वॉट विल वी डू, वील मूव दीज टू ऑन दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा. फॉर्मूला फॉर बेस बिकम्स 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई हाइट, एंड सिमिलरली हाइट के लिए हो जाता है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. बेस नहीं है, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, तो हम बेस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई हाइट और 2 इंटू 1256 अपॉन हाइट इज 31.4. यहाँ पे 2 से हो सकता है, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे कैरी 1, 2 फाइव ज़ा 10, कैरी 1, 2 सेवन ज़ा 14. नाउ वी हैव 1256 डिवाइडेड बाय 15.7. फॉर डिवाइडिंग दिस हमारे पास 115.7 है, तो 157 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट कम्स एज 1256. लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन होगा डेसिमल विल कम हियर. हमें ये डेसिमल अगर रिमूव करना है तो व्हाट डू वी डू, हम इनटू 10 कर सकते हैं. तो व्हाट डू वी डू, यहाँ पे वील मल्टीप्लाई 15.7 इनटू 80, तब ये डेसिमल नहीं आएगा एंड हियर इज आवर आंसर. वी आर फाइंडिंग द बेस, सो यहाँ पे जो यूनिट चल रही है दैट इज मिलीमीटर्स. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस गिवन है, हाइट नहीं है, हमारे पास एरिया है. तो हाइट के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, 2 इंटू 170.5 अपॉन बेस इज 22, अगेन कॉमन फैक्टर 11. Now we have 11 से हमें 170.5 डिवाइड करना है. फॉर द डिविजन 5 सा 55, बचा यहाँ पे 5. अब यहाँ पे डेसिमल है, विल पुट द डेसिमल हियर, कैरी दिस 5 हियर. नाउ 11 5 सा 55. So this is our answer, that is 15.5. unit that we are following is centimeter.